हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल पुल। तो इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ 4 तक कर चुके थे, यहाँ पर हम लोग 5 का 1 यहाँ पर क्वेश्चन लेकर देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, इफ़ 1 + cos² a इक्वल्स टू 3 cos a sin a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। cot a का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। देखो cot a कैसे आ पाएगा, यहाँ पर देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर cos² a है, अगर इसको sin² a से डिवाइड कर देंगे तो cot में यहाँ पर आ जाएगा cot² a एंड यहाँ पर cos से sin a, यहाँ भी sin² a से डिवाइड करेंगे, एक sin यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा sin यहाँ पर cot बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cos² a डिवाइडेड बाई यहाँ पर सॉरी sin² a से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा, sin² a बोथ साइड यहाँ पर sin² a से डिवाइड करना होगा, ये मिल जाएगा 3 cos a sin a डिवाइडेड बाई यहाँ पर sin² a। ठीक है, ये देखो एक sin a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये क्या मिल जाएगा, 1 upon sin² a is cos² a प्लस ये cos² a upon sin² a is cot² a। दिस इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, 3 cot a cos a बाई sin a दैट इज cot a। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, cos² a को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1 + cot² a 1 + cot² a प्लस cot² a एंड 3 cot a को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो -3 cot a दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोल पाएंगे कि 2 cot² a -3 cot a 3 cot a दिस इज +1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 2 cot² a -3 cot a को लिख पाएंगे यहाँ पर -2 cot a -cot a +1 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि 2 cot a कॉमन ले लें, 2 cot a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर cot a माइनस वन हो जाएगा ना, टू भी कॉमन ले लिए तो cot a -1 यहाँ से मिल जाएगा cot a -1 एंड -1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cot a -1 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर हम लोग cot a -1 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 cot a -1 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा हमारे पास cot a का वैल्यू, एक तो 1 आ जाएगा एंड दूसरा वैल्यू यहाँ पर cot a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो cot a का वैल्यू हमारे पास क्या क्या मिल गया बताओ, cot a इक्वल्स टू आइदर 1/2 और 1, ये दो वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 का 2, इफ 3 sin θ + 4 cos θ इक्वल्स टू 5 एंड थीटा का वैल्यू दे रखा है 0 से π/2 के बीच में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन सो दैट sin θ इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से sin θ का वैल्यू निकालना है, दैट इज cos को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, साइन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन, 3 sin θ ठीक है, 3 sin θ। देखो इस 5 को क्या कर रहे हैं, इस 5 को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3 cos θ - 5 दिस इज इक्वल टू 4 cos θ दैट इज ये -4 हो जाएगा, cos θ को चेंज कर लेंगे sin θ में, ये क्या लिख लेंगे इसको, 1 - sin²θ 1 - sin²θ। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बताओ, 9 sin²θ + 25 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 sin θ 2ab sin θ यहाँ पर आ जाएगा, 2ab के लिए क्या हो जाएगा, -30 sin θ 2 × 3 sin θ × 5 -5 यहाँ से क्या आ जाएगा,
30 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू, जब राइट साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में स्क्वायरिंग करेंगे 16 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबको अगर लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको अगर लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 9 प्लस 16 इज 25 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा, और लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे 25 माइनस 16 इज 9 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पर हमें शो करना है कि कितना आना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। यहाँ इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली अगर फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम लोग अगर चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बना सकते हैं इसका, देखो यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं बनाने की, 9 into 25 इसमें अगर करें ये 3 into 25 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 3 into 3 into 5 into 5 ये मिल गया। तो यहाँ पर 15 plus 15 अगर करें तो 30 आ जाएगा, 30 के लिए क्या करेंगे, 15 plus 15 यहाँ से 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर -15 साइन थीटा, यहाँ से सिर्फ साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, सॉरी +9 यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं, +9 दिस इज इक्वल टू 0। साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, 25 साइन थीटा माइनस 15, एक मिनट, यहाँ से 5 भी तो कॉमन आ जाएगा, एक 5 भी तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 5 साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस 3, एंड यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म में से 5 साइन थीटा माइनस 3 अगर कॉमन ले लें, 5 साइन थीटा माइनस 3 अगर कॉमन ले लें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यहीं पर फॉर्मूला बन रहा था, ये एक फॉर्मूला बन रहा था 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर का, यहाँ से हम लोग बता पाते, देखो 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख पाते -2 into 5 sin theta into 3 +3 square बन रहा था ना। अब इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बता पाते कि 5 sin theta minus 3 इसका होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से हमें लेंथी बन जाता है। ठीक है, अगर ध्यान दे दिए होते तो एक लाइन में यहाँ पर आंसर आ जाता, यहाँ से 5 sin theta का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, 5 sin theta minus 3 = 0, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3/5, यही हमें शो करना था, ये हम लोग शो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे यहाँ से कर सकते हो, इसको अरेंज कर लेंगे, इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर इसमें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखो इस तरह से अरेंज कर लेंगे और ये फॉर्मूला में बन जाएगा ये 5 sin theta minus 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 5 sin theta minus 3 = 0, दैट इम्प्लाइज 3 sin theta = 3/5, यही हमें प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना, कैसे किया हमने, हमें चाहिए था साइन थीटा इक्वल टू 3/5 शो करना।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, 3 sin theta + 4 cos theta था। cos theta को हमने क्या किस में चेंज किया, sin theta में चेंज किया, क्योंकि हमें sin theta में ही शो करना था। तो हमने sin theta में चेंज किया, उसके बाद सॉल्व किया और sin theta का वैल्यू हमने शो कर दिया 3/5 के इक्वल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6, इफ cosec alpha plus cot alpha equals to a दिया है, ये दे रखा है, ये a है, देन हमें प्रूफ करना है cos alpha equals to a² - 1/a² + 1। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रूफ में हमें क्या करना है, a² - 1/a² + 1, दैट इज ए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन कंडीशन है इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cosec अल्फा प्लस cot अल्फा इसका होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a²। यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे, cosec अल्फा प्लस cot अल्फा इसको अगर होल स्क्वायर में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cosec अल्फा × cot अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू a². ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec अल्फा इंटू cot अल्फा क्या होता है, cosec अल्फा इंटू cot अल्फा यहाँ पर क्या होता है ये देखना है। देखो cosec अल्फा इंटू cot अल्फा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin अल्फा, sin अल्फा बाय cos अल्फा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, देखो cosec स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर अल्फा को लिखा जा सकता है 1 + cot² α, 1 + cot² α, एंड यहाँ पर क्या है cot² α प्लस यहाँ पर 2 cosec α × cot α, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a². ठीक है, यहाँ से देखो अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 cot² α प्लस 2 cosec α cosec α × cot α, दिस इज इक्वल टू a² - 1 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 cot α यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot α + cosec α, दिस इज इक्वल्स टू a² - 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 times cot α, अब देखो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू सबसे पहले ही दे रखा है कि a के इक्वल है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये a आ जाएगा, a के इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू a² - 1। यहाँ से देखो cot α इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a² - 1/2a। ठीक है, यहाँ पर देखो cot अल्फा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालें, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² + b² a² - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2a² दैट इज, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा, देखो a² - 2 times a² + 1 + 4 times a², देखो 2a² = 4a² दैट इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि क्या हो जाएगा, 1 power 4 + 2a² + 1, दैट इज को सॉल्व करने पर मिलेगा a² + 1 इसका होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट, दैट इज a² + 1 ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो cot यहाँ पर h का वैल्यू ये मिल गया a² + 1, सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो b का वैल्यू क्या था, b = a² - 1 था, एंड h = यहाँ पर क्या मिल गया,
ए स्क्वायर प्लस वन मिल गया, यहाँ से कॉस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, दैट इज ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू वो ए दिया है, देन प्रूव दैट कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन, ये है, ठीक है। अब प्रूफ को देखो तो ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन, दैट इज ए स्क्वायर इज मस्ट, ए स्क्वायर तो ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायरिंग करना होगा, दैट इज कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इसका होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर देखो वन है, यहाँ भी वन है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन चाहिए, दैट इज इसको क्या लिखना होगा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इसका होल स्क्वायर माइनस वन, ऊपर यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे, देखो ऊपर वाला जो है उसमें से माइनस कर रहे हैं नीचे वाले को, और नीचे में क्या माइनस कर रहे हैं, नीचे में दोनों को ऐड कर रहे हैं, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस वन, देन वी विल गेट यहाँ पर राइट साइड में क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके न्यूमिनेटर बना रहे हैं, और डिनोमिनेटर के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में आ गया। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट साइड जो क्वांटिटी है वो कॉस अल्फा के इक्वल आएगा, राइट साइड जो हम डिज़ायर्ड था हमारा, जो रिक्वायर्ड था वो चीज़ आ चुका है, वो टर्म आ चुका है, तो हमें लेफ्ट साइड को बस सॉल्व करते जाना है, राइट साइड में उसी को रखना है। तो लेफ्ट साइड को जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और माइनस वन यहाँ पर है, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या है, प्लस वन है, नीचे में प्लस वन है, ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे वाला को देखो, यहाँ नीचे वाले को जब देखोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन क्या हो जाएगा, टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। चलो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन इज कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर एक कॉसेक स्क्वायर अल्फा पहले से है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर इस साइड में है ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन। अब ऊपर वाले को देखो तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा, एंड एक कॉट स्क्वायर अल्फा यहाँ पर पहले से है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, टू कॉट अल्फा ऊपर में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, यही आएगा ऊपर में, और नीचे में टू कॉसेक अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो नीचे में हमें मिल जाता है कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में हम कर रहे हैं यहाँ पर, चलो अब राइट साइड में कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर राइट साइड में क्या था, राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन, ये पहले से है। अब देखो यहाँ पर टू भी कैंसिल हो जाएगा, ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट अल्फा अपन यहाँ पर कॉसेक अल्फा
cot alpha into cosec alpha, this is equals to a square minus 1 upon a square plus 1, ये मिल जाएगा। अब देखो 1 by cosec alpha is sin alpha, 1 by cosec alpha is sin alpha and cot alpha को क्या लिख सकते हैं, cos alpha by sin alpha, cosec alpha by sin alpha, और 1 by cosec alpha को क्या लिख सकते हैं, sin alpha, sin alpha, this is equals to a square minus 1 upon a square plus 1। यहाँ से हम लोग क्या बता पाएंगे कि ये sin alpha कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, cos alpha equals to a square minus 1 upon a square plus 1, और यही हमें प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन चाहिए, तो वो हम कर दे रहे हैं यहाँ पर राइट साइड को देख करके, कैसे करना है वो आइडिया आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड को कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट साइड को जस्ट सॉल्व करते जाना है, कब तक सॉल्व करना है, जब तक कॉस अल्फा नहीं आ जाए लेफ्ट साइड में, ठीक है, और इस तरह से हम लोग प्रूव कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 4x से के इक्वल्स टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, प्रूव दैट से के प्लस टेन ए इक्वल्स टू 2x और 1 बाई 2x, या तो 2a होगा से के प्लस टेन ए, या तो 2x होगा या तो 1 बाई 2x होगा। चलो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ से सबसे पहले से के का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, दैट मीन्स से के इक्वल्स टू 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4x, ठीक है, से के का वैल्यू यहाँ से निकल गया। से के को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, या फिर सेक स्क्वायर ए अगर करें तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स इसका होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स इसका होल स्क्वायर, या फिर यहाँ से टेन स्क्वायर ए का हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है यहाँ पर 4 एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से टेन ए का अगर वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, 10a स्क्वायर रूट तो लगेगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों ही लगेगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो 16x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 16x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 1 इंटू 4x स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर को 4 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर आएगा, देखो 16x स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर, और नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x का होल स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस रूट ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab
इज यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है फोर एक्स का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस माइनस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखो सेके प्लस टेन ए का वैल्यू निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए इसका वैल्यू हो जाएगा सेके क्या क्या है यहाँ पर वन बाई फोर एक्स प्लस देखो फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एक्स इज एक्स। अब देखो प्लस माइनस सिमिलरली यहाँ भी वन बाई फोर एक्स, वन बाई फोर एक्स और यहाँ पर प्लस माइनस है वन बाई फोर एक्स माइनस एक्स। ठीक है तो देखो दो वैल्यू आएगा जब एक बार प्लस लेते हैं, प्लस के लिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस लेंगे तो वन बाई फोर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू बाई टू एक्स दैट इज़ वन बाई टू एक्स मिल जाएगा, यहाँ से वन बाई टू एक्स मिल जाएगा और जब एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ लिख लेते हैं सेके प्लस टेन ए, टेन ए दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बताओ वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स, एक बार माइनस लेंगे तो वन बाई माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा क्या मिल जाएगा टू एक्स। तो एक बार वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा वन बाई टू एक्स एंड दूसरे बार वैल्यू क्या मिल जाएगा टू एक्स और यही दोनों हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है इसको आप लोग अच्छे से करना, मैंने यहाँ पर स्पेस का कमी था इसीलिए नहीं किया। ठीक है चलो कर तो दिया है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, एक बार क्या किया हमने यहाँ से एक बार प्लस लिया, जब प्लस लिया तो ये वाला प्लस में होगा और ये वाला माइनस में होगा माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया एंड वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स इज टू बाई फोर एक्स दैट इज़ वन बाई टू एक्स, यहाँ से वन बाई टू एक्स मिल गया। जब एक बार माइनस हम लोग लेंगे यहाँ पर माइनस वाला केस है तो वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, जब माइनस लेंगे तो माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ से वन बाई फोर एक्स एंड माइनस वन बाई फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स। और यही हमें प्रूव करना था कि एक बार क्या होगा, एक बार हमें बताना था कि एक बार वैल्यू होगा टू एक्स, दिस वैल्यू इज एक बार टू एक्स आएगा एक बार वन बाई टू एक्स आएगा और ये दोनों हमने प्रूव कर दिया। ठीक है अच्छे से आप लोग कर लो, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, इफ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है वन माइनस ई स्क्वायर प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू टू माइनस ई स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ ही सकता है। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर ये दिया हुआ है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस इक्वल टू या फिर सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो इसको क्या करते हैं हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर देखो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा टेन क्यूब थीटा को लिखे साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ से एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा पावर टू, टू पावर यहाँ पर बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स में कैंसिल होगा एंड वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ वन बाय कॉस क्यूब थीटा। अब वन बाय कॉस क्यूब थीटा क्या होता है बताओ, वन बाई कॉस क्यूब थीटा इज सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा या फिर इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा का होल क्यूब। ठीक है नाउ सेक थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक थीटा इज, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब सेक थीटा को लिखे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसका होल क्यूब। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, वन माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट लगाए और ये क्या हो गया वन प्लस वन माइनस ई स्क्वायर होल टू दी पावर यहाँ पर थ्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई टू कर देंगे पावर में, और ये क्या हो जाएगा अंदर में टू माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू माइनस ई स्क्वायर होल टू दी पावर यहाँ पर थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, प्रूव हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से देख लो क्या किया हमने, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा ये दिया हुआ था, इसे हमें प्रूव करना था टू माइनस ई स्क्वायर होल टू दी पावर थ्री बाई टू, तो सबको जो टर्म दिया हुआ था सेक थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा में सबको क्या किया साइन और कॉस के टर्म में हमने लिख लिया, साइन और कॉस के टर्म में लिखने से ये फ़ायदा मिला कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में वन मिल गया, और ये बन गया वन बाई कॉस क्यूब थीटा, वन बाई कॉस क्यूब थीटा इज सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा मीन्स सेक थीटा का होल क्यूब। अब सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वन माइनस ई स्क्वायर होता है, तो वन प्लस वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस ई स्क्वायर होल टू दी पावर थ्री बाई टू, यही हमें प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नाइन ये बोल रहा है इफ स्क्वायर सिक्स स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर, देन हमें शो करना है सो दैट साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है हमें साइन अल्फा का वैल्यू चाहिए, दैट इज कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर मिल जाए तो वहाँ से हम लोग साइन अल्फा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेक में है एक टेन में है, तो क्या करते हैं सेक वाले को टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इससे आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं ए स्क्वायर वन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा को क्या किया टेन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर लिया, माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम लोग क्या बता पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग क्या बता पाए यहाँ से अगर इस टेन स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन ले लें टेन स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर को राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग क्या बता पाएंगे टेन स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मिल गया, ये क्या है टेन स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम लोग चाहें तो साइन अल्फा निकालना चाह रहे हैं ठीक है, यहाँ से देखो टेन को अगर सेक में कन्वर्ट कर लें, ये अच्छा होता कि हम लोग टेन को पहले ही सेक में कन्वर्ट कर लेते तो ज़्यादा आसानी से आ जाता। चलो एक बार देख लेते हैं इसको पहले, तो यहाँ पर सेक में कन्वर्ट कर लेंगे एंड सेक से फिर कॉस में कन्वर्ट होगा एंड कॉस से साइन में कन्वर्ट होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा, इससे बेहतर है यहाँ पर हम लोग क्या करें इसको लिख सकते हैं पी बाई बी, तो यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकाल लें या फिर चलो कर लेते हैं लेंदी होगा तो क्या है 4 मार्क्स मिल रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ठीक है। चलो एक मेथड तो पहले देख लेते हैं, एक मेथड को देख लेते हैं, यहाँ से देखो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है यहाँ पर टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है टेन अल्फा इज पी बाई बी, यहाँ पर लेकिन स्क्वायरिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना चाहें एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
दैट इज यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, देयर फोर दैट इम्प्लाइज यहाँ पर साइन साइन अल्फा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया यहाँ पर, एच स्क्वायर का यहाँ पर ये वैल्यू आया। ठीक है, एच स्क्वायर का वैल्यू आया, तो यहाँ पर साइन अल्फा अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अल्फा इज प्लस माइनस दोनों ही होगा, पी बाई एच करेंगे, पी बाई एच, पी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमने क्या निकाला ही नहीं था, अगर यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी इक्वल टू मिल जाएगा हमें प्लस माइनस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, या फिर साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस माइनस पी बाई एच, पी बाई एच करेंगे, दैट इज यहाँ पर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड रूट लगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो दूसरा मेथड से भी यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग। चलो डायरेक्ट मेथड एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और डायरेक्ट मेथड हम लोग देख पाएंगे। देखो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड कैसे काम करेगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, सेक को टेन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर हमने गलती किया था थोड़ा सा, टेन को अगर सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाएगा, सॉरी यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करें तो ये क्या लिख पाएंगे हम लोग, इसको सेक स्क्वायर अल्फा को राइट साइड में अगर भेज दें तो क्या आ जाएगा, वन बाई साइन सेक स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, वन बाई सेक स्क्वायर अल्फा, दैट इज वन बाई सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मिल गया तो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हुआ, क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ज़्यादा बेहतर है मेथड, इसी को यूज करना। ठीक है, यहाँ से देखो बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देख लो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको इसी मेथड से करना है, ये अच्छा मेथड है, ये वाला मेथड भी ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। ठीक है, इस मेथड से करना है, टेन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करने से डायरेक्टली क्या हो जा रहा, हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या किया था, एक बार सेक को टेन में कन्वर्ट किया, अब टेन में कन्वर्ट हुआ तो टेन का वैल्यू मिला हमें, अब फिर से टेन को सेक में कन्वर्ट करना होगा, सेक को किस में कन्वर्ट करना होगा,
सेक को कॉस में एंड कॉस से फिर से साइन में आना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा बार कन्वर्जन हो जाएगा और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर है कि क्या करें, हमें टेन टेन स्क्वायर अल्फ़ा को सेक स्क्वायर अल्फ़ा में कन्वर्ट करें एंड सेक को कॉस में कॉस से डायरेक्ट हमें साइन मिल जाएगा। ठीक है, इस मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, चलो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।